राजस्थान में सियासी उठापटक थमा ही नहीं कि गहलोत गुट के एक विधायक का बयान इन दिनों चर्चा में है। बाड़मेर जिले के चौटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद्माराम मेघवाल का मीडिया को दिया गया बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ खींची गई एक तस्वीर को विधायक मेघवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। विधायक द्वारा की गई पोस्ट पर एक सरकारी स्कूल के व्याख्याता गंगाराम ने टिप्पणी की थी। शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी नेताजी को नागवार गुजरी और शिक्षक गंगाराम को एपीओ कर निदेशालय बीकानेर भेज दिया गया। राजस्थान में सियासी उठापटक थमा ही नहीं कि गहलोत सरकार में एक विधायक का बयान इन दिनों चर्चा में है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बाड़मेर जिले के चौटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद्माराम मेघवाल का मीडिया को दिया गया बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में मुख्यमंत्री एवं अन्य नेताओं के साथ खींची गई एक तस्वीर को विधायक मेघवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। विधायक द्वारा की गई पोस्ट पर सेरवा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारवाला में कार्यरत व्याख्याता गंगाराम ने टिप्पणी की थी कि विधायकों को बाड़ेबंदी से निकल कर यहाँ आकर जनता के काम करने चाहिए। शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी नेताजी को नागवार गुजरी और शिक्षक गंगाराम को एपीओ कर निदेशालय बीकानेर भेज दिया गया है। हालांकि एपीओ करने की बात को विधायक ने नकार दिया और यह भी कहा है कि मैंने फेसबुक देखी भी नहीं है, लेकिन चलते चलते नेताजी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। पूरे मामले को लेकर चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल का कहना है कि शिक्षक सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट करता रहा है और सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करने के चलते उसे एपीओ किया गया है। कोई फेसबुक नहीं देखी है, नहीं फेसबुक की टिप्पणी के आधार पर उसको एपीओ किया है। वो अपने कारनामा के अंदर गया है, वहाँ जो बावराले में लगा हुआ था वो राजनीति कर रहा था और हमेशा राजनीति की पोस्टर डाल रहा था और सरकार के खिलाफ बात कर रहा था, इसकी उसको एपीओ किया है। खैर, यहाँ जिसकी सरकार होती है नियम और कायदे अधिकार भी उन्हीं के चलते हैं, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार शिक्षक के अधिकारों में यहाँ लागू नहीं होता है? यह तो एक शिक्षक उनकी सरकार का हिस्सा था, इसलिए उसे एपीओ कर दिया गया। अगर ऐसे ही टिप्पणी कोई आम व्यक्ति करता तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती? इस पूरे घटनाक्रम से समझा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले राजकीय कर्मचारियों को किस तरह किनारे किया जाता है, ताकि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई राजकीय कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद ना कर सके।